आपका आज की वीडियो में स्वागत है। फाइनली आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर चंदू चैंपियन का। चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 1960 आर्मी हॉस्पिटल। क्या केस है सर? 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। जंग को 2 साल हो गए, तब से ये कोमा में ही है। दुश्मन क्या कर रहे? छोड़ो, मुझे मेरे मुल्क वापस जाना है। मैं डरता नहीं है दुश्मनों से। हम दुश्मन नहीं है, तुम हिंदुस्तान में हो। मुरलीकांत पेटकर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। हालात ऐसे कि ये देश टिक भी पाएगा कि नहीं, पर हिंदुस्तान लड़ता है हर हालात से। बड़ा होके क्या बनेगा? मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। ए हंसता क्या है? पूरा गांव हंसता है तेरे पे। जो पता है क्या बुलाते हैं लोग तेरे को? अरे चंदू चैंपियन। आज के बाद कोई ना आ जाएगा मुझ पे। खाली आज जाने दो दंगल को। इधर से मेरी ओलंपिक की तैयारी। अरे ये तो चंदू चैंपियन है। चंदू नहीं, चैंपियन है मैं। टिकट जाना है ना, तो तेन तो फौज ही होना चाहिए। सर मुझे एक मौका दो ना, मैं पहलवान है। दारा सिंह है क्या? उनका चेला है मैं। बादल कैसा धड़ाम धड़ूम आवाज कर रहा है। कल जाते क्या? कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, नाश्ता करके निकलते हैं। एयर इंडिया अपने बाप का ही है। एकदम भरो। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है छोटू। मुरली, मेरा भगवान से जो भी लेन देन था, मुझे ऐसा मारना उसके प्लान में इच नहीं था। वो दिन मैं तय किया, मैं जिएगा और उसके लिए जितना लड़ना पड़े मैं लड़ेगा, और हर चिढ़ाती हुई हंसी को पलट के बोलेगा। हंसता कहीं कोई? मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चीटिंग का केस करना है। कितने डिफरेंट लग रहे हैं। भाई मूवी तो वैसे बायोपिक है मुरलीकांत जी की, लेकिन जो है भाई जिस तरह पूरी मूवी में डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस दिखाए गए, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ 1965 की वॉर के बाद जिस तरह वो कोमे में चले गए और उसके बाद से दोबारा उठकर ज़िंदगी की स्ट्रगल करना, क्योंकि भाई 9 गोलियाँ लगना और उसके बाद जो है दोबारा से उस चीज़ की तरफ वापस आना काफ़ी एक तो मुश्किल डिसीजन भी रहता है हर इंसान के लिए, और नो डाउट बहुत सारी हिम्मत चाहिए। बट स्पोर्ट्स ड्रामा मूवीज जब भी हम देखते हैं तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो स्पोर्ट्समैन है वो कभी गिव अप नहीं करता है, और यही खूबसूरती होती है एक स्पोर्ट्समैन की। बट इस मूवी के मतलब ट्रेलर में जो हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस देखे हैं, और मैं यहाँ पर कार्तिक आर्यन की तारीफ करना चाहूँगी, लाइक जो डिफरेंट डिफरेंट गेटअप्स हम लोगों ने उनके देखे हैं, लाइक स्टार्टिंग में यानी कि बहुत ही टीन एज उनकी देख लें उसमें जैसे वो नज़र आ रहे हैं, फिर वो अखाड़े में जा रहे हैं और यू नो उनका पेट इतना ज्यादा नजर आ रहा है, लाइक बल्कि वो नजर आ रहे हैं वहां पर, और लोग काफी ज्यादा उनको टीज करते हैं जिसकी वजह से यू नो कि वो एक चैंपियन बनना चाहते हैं, और लेकिन ये कि वो अपने रास्ते की तरफ चला जाते हैं। और मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी वो इसीलिए चूज करते हैं
अपने मुझे लग रहा है कि फ्रेंड के कहने पर कि उनको एक ऑप्शन नजर आता है कि वो इंडियन आर्मी की तरफ से खेल रहे हैं। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ जो उनका एक फेस दिखाया हुआ है ना जहाँ पर लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जो है ना एक चीज जो है वो आपको नजर आ रही थी कि उनकी बात को कोई इतना सीरियस जो है वो नहीं ले रहा होता। यानी कि होता है ना एक इंसान होता है कि भाई वो जो है ना उसकी बातों को जो है ना सारे इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे भाई ये इसकी बात की वैल्यू ही नहीं करती, तो वो वाली चीज जो है वहाँ पर एक जो है वो नजर आ रही होती है। लेकिन उन्होंने अपने इवन के उनके फादर भी जो बीच में दिखाए हुए हैं वो भी जो है वो सीरियस नहीं ले रहे होते उनकी बातों को, गुस्सा हो रहा था थप्पड़ हाँ, थप्पड़ मार देते हैं तो वो भी सीरियस नहीं ले रहे होते। लेकिन फिर वही बात आ जाती है भाई आपकी मनोकामनाएं जो है वो बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है। और जिस तरह वो पहले दिन अखाड़े में उतरते हैं और जिस तरह वो उन्हें चंदू नहीं चैंपियन हाँ जिस तरह यानी कि उन्हें चढ़ाया जाता है ना एक तरह का, तो उसका एक रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो जो है मैं कहूँगा कि भाई यहाँ तक उनकी स्टोरी जो है वो एक डिफरेंट फेज में चल रही थी। लेकिन उसके बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो है उनकी लाइफ स्टोरी एक तरह से बिल्कुल ही चेंज हो रही है। बिल्कुल। और मैं ये बात बोलूँगी कि कुछ शायद इस तरह की भी स्टोरी दिखाई गई है क्योंकि पहले मे बी पेरेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा वैल्यू ना देते हों, क्योंकि ऑब्वियसली घर में कमाने के लिए आपको मतलब ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि शायद इस वजह से जो है उनके घर वाले जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे। फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो एक उनकी स्ट्रगल दिखाई, ट्रेनिंग दिखाई, अच्छा लेकिन ये कि बहुत सीधे दिखाए हुए हैं, है ना, जब प्लेन में बैठने लगते हैं तो विजय राज सर के साथ, मतलब मुझे लग रहा है विजय राज सर जो है वो उनके कोच दिखाए हुए हैं। और जो मुझे इवन के वॉइस ओवर भी है ना वो भी विजय राज सर की आवाज थी। और फिर क्योंकि हमने देखा है कि वो रिंग में हमें नजर आते हैं, बॉक्सिंग खेली जा रही है, तो जो राजपाल यादव है उनका एक बहुत ही मुझे ना छोटा सा ग्लिम्प नजर आया बस। लेकिन क्योंकि अभी उनके रोल का भी क्लैरिफाई नहीं है कि उनका रोल बीच में क्या होगा, लेकिन विजय राज सर का तो जो है वो वैसे भी एक्टर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पे जो है दोबारा से जो है फिर कार्तिक आर्यन की बात करना चाहूँगा। अच्छा वैसे लीड में हमें कोई एक्ट्रेसेस अभी तक इनके साथ नजर नहीं आई, वरना इस तरह की मूवीज में हमें होता है कि भाई थोड़ा सा ना आपको एक रोमांटिक साइड भी जो है वो दिखाई जाती है। बीच में एक एक्ट्रेस तो नजर आई है मेरे ख्याल में पलक ललवानी है, और मतलब एक ग्लिम्प ही उनका नजर आया और उसके बाद तो मतलब वो नजर। लेकिन जैसे हमने इससे पहले मूवीज देखी ना उसमें रोमांटिक साइड जो है बीच में जरूर दिखाई जाती, लव साइड जो एक होती है वो दिखाई जाती है, लेकिन इसमें जो है ना हमें उस तरह का कोई नहीं, सिर्फ उनकी एक जिंदगी की जो स्ट्रगल है ना वो दिखाई दे रही है। और भाई एंड तक आते आते जो उनका एक मैं कहूँगा कि बुढ़ापे वाली एज में जब वो स्टेप रखते हैं तो वो दिखाया हुआ कि भाई मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर जो है वो केस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो भाई उन्हें पहचाना नहीं एकदम, मुझे फिर एकदम कितने डिफरेंट लग रहे हैं यार इधर, ये बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी। और फिर उसके बाद मतलब आप देखो जो उन्होंने एथलीट की एक बिल्कुल उनकी फिजीक थी वो बहुत डिफरेंट, और बहुत मेहनत की है उन्होंने, मैं कहूँगी काबिले तारीफ है कि अपने रोल के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने एफर्ट दिया है। फिर लास्ट में मुझे ना जो रिंग में मतलब यानी वो जिस तरह से बॉक्सिंग करते हैं इतनी स्पीड के साथ, वो भी मुझे कमाल का है, वो वाला भी एक मैं कहूँगी फ्रेम लगा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी मूवी होगी क्योंकि यू नो स्पोर्ट्स ड्रामा मूवीज में आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट होते हैं। अच्छा वैसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मुझे आइडिया नहीं है कि जो लोग स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं मतलब कभी आर्मी की तरफ से या जरूर बताइएगा हम लोगों को। और इसी के साथ हम आज मरवड़ी चैनल करें।